मिटा सकता है, पर जो अंतर्गत है, हृदयगत जो अज्ञान तिमिर है, वो भुवन भास्कर की किरणों से मिटने वाला नहीं है। तो कैसे मिटेगा वो भीतर का अंधेरा? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का जो तिमिर है, अज्ञान का जो अंधकार हम सबके हृदय में भीतर व्याप्त है, ये बाहर के सूरज से नहीं, जासु वचन रवि करण कर। सदगुरु के दिव्य उपदेश के वाक्य जब निकलते हैं, वह शब्द ब्रह्म सदगुरु की वाणी से प्रकट होकर जब कर्ण कोहरों से हृदयंगम होता है, कर्ण विवर से हृदय में पहुंचता है, तो वह शब्द ब्रह्म अपने दिव्य प्रकाश से जन्म जन्मांतर के तिमिर को ध्वस्त कर देता है। इसलिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरुः इत्यभिधीयते। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जन्म जन्मांतर का अंधकार जो आपके भीतर व्याप्त है, वो अपने दिव्य उपदेश से, वाणी से, शब्द ब्रह्म की किरण से जो सारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दे, वो है सदगुरु। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। पर वे सदगुरु कौन है? नराकृति, नर के रूप में नारायण, कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात हरि ही हैं। इसलिए एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, आचार्यम माम बिजानीयात, आचार्य के रूप में तुम साक्षात मुझे ही देखना, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आपने किसी का हाथ पकड़ लिया तब भी वो पकड़ा गया, आपने किसी का पैर पकड़ लिया तब भी वो पकड़ा गया, आपने किसी का सिर पकड़ लिया, पेट पकड़ लिया तब भी वो पकड़ा ही गया। कोई भी अंग पकड़ में आ गया तो व्यक्ति पकड़ा गया कहलाएगा। उसी प्रकार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, नाम अलग अलग है पर एक ही बपु है। इनमें से एक को भी पकड़ लिया तो वो पकड़ा गया। इसलिए सदगुरु के रूप में उसी तत्व का दर्शन करना चाहिए। अतः कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। यदि गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तो फिर परब्रह्म का उपदेश हमें क्यों देते हैं? जब वे स्वयं परब्रह्म है तो हम दूसरे परब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े? बोलो जय सियाराम। जय सियाराम। शास्त्रों में कई बातें हैं जो सदगुरु की सन्निधि से ही सुलझती हैं, नहीं तो हम लोग उन शब्दों में उलझ जाते हैं। मेडिकल स्टोर में प्रत्येक दवा बीमारी को दूर करने के लिए रखी गई है, प्रत्येक दवा महत्वपूर्ण है, परंतु आपको कौन सी बीमारी है और आपको कौन सी दवा अनुकूल पड़ेगी ये कोई डॉक्टर बताएगा। इसलिए जो डॉक्टर लिखे वही दवा खानी चाहिए। और आपने मेडिकल स्टोर में जाके बीमारी के लिए कोई भी दवा उठा के खा ली, बोले हमको तो खाने से मतलब है, तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। तो आपने कहा हमने तो मेडिकल स्टोर से ही दवा खाई थी साहब, फिर हमारी तबीयत बिगड़ क्यों गई? बोले दवा तो तुमने सही खाई थी, वो बुरी नहीं थी, दवा सही थी पर तुम्हारी बीमारी के लिए वो सूट नहीं थी। तुम्हें जो बीमारी है उसके लिए जो दवा खानी चाहिए था वो किसी डॉक्टर से तुमने सलाह नहीं ली, मनमानी ढंग से खा ली, इसलिए रिएक्शन हो गया। उसी प्रकार शास्त्रों में सारी बातें सही हैं,
परंतु हम जब सदगुरु वैद्य का आश्रय लिए बिना मनमुखी ढंग से उस दवा का सेवन करने लगते हैं, इसलिए हमको रिएक्शन होने लगता है। यहां ये लिखा है, वहां वो लिखा है, हम तो महाराज पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, बुद्धि खराब हो गई हमारी, तो हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र सही बात कह रहे हैं, पर शास्त्रों की बात को सही ढंग से समझने के लिए सदगुरु की परम आवश्यकता है, उसके बिना गड़बड़ा सारी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। वेद पुराण उदत ही घन साधु, वेद पुराण क्या है? उदत ही है, समुद्र है। महम बुद्धि, सागर में जल राशि अनंत है, पर सागर का देखने में जल बहुत प्यारा पर पीने पर बिल्कुल खारा। अब आप प्यास बुझाने के लिए सीधे सागर के पास चले जाओगे तो आचमन भी नहीं कर पाओगे, पीना तो बहुत कठिन है। तो पानी बेकार है क्या? बोले नहीं, बेकार नहीं है। उसी पानी को जब घन मेघमंडल खींचते हैं और खींच करके धारण करके फिर आकाश में इधर उधर उमड़ के पवन के प्रभाव से फैलते हैं और फिर रिमझिम करके उन पानी की बूंदों को बरसाते हैं, तो पानी भी मीठा हो जाता है, पीने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाता है और धरती की प्यास भी बुझ जाती है, सभी को आनंद आ जाता है। पानी वही है, पर मेघों के माध्यम से पीने पर सुस्वाद हो गया जल और डायरेक्ट पीने पर मुंह खराब हो गया। तो वेद पुराण उदधि घन साधु, इन्हीं वेद पुराणों से संत विद्वान अध्ययन करके, अध्ययन करने के बाद उसका चिंतन करके, मंथन करके, अनुसंधान करके और उसके तात्पर्य को ठीक से समझ करके फिर प्रवचनों के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठ करके जब परोसते हैं, बरसाते हैं, तो सुनने वाले के सिर हिलने लगते हैं, महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कही, बिल्कुल ठीक कही। अरे महाराज जी ने नहीं कही, शास्त्रों ने कही है, ये जल लाए हम वहीं से हैं, कोई अपने मन से नहीं कह रहे। पर इन्हीं शास्त्रों के सागर से जो समझ बूझ करके परंपरा से उसका अध्ययन चिंतन करके फिर जब उपदेश देते हैं तो वो उपदेश हृदयंगम होता है। और आपने ना आचार्यों का संग किया, ना सदगुरु का आश्रय लिया और मनमुखी ढंग से केवल शब्दार्थ समझने लगे तो बुद्धि चगरा जाएगी, सीधे सीधे समझ में बात आने वाली नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बातों को शास्त्रों में घुमा घुमा करके कहा है, महापुरुषों तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट नहीं, पहले सेवकों से मिलना पड़ता है, घूम घूम के जाना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, तब जा करके भेंट होती है। ऐसी वास्तविक तात्पर्य को, शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य को समझने के लिए बिना सदगुरु का आश्रय लिए आप समझ नहीं पाएंगे। मंत्र सब सिद्धि देने वाले हैं परंतु ग्रंथों में खूब लिखे हैं। अब कोई भी ग्रंथ से मंत्र ले लो, हमने तो लिखा देखा है, पढ़ना चालू कर, जपना चालू कर दिया, कुछ भी नहीं होगा, मंत्र का फल ही प्राप्त नहीं होगा। तो मंत्र अशुद्ध था? नहीं, अशुद्ध तो नहीं था, हमने तो पुस्तक में लिखा हुआ देखा था, एक एक अक्षर हमने उसी में से नोट किया था, उसी को याद किया था, उसी को जप रहे हैं, मंत्र में कोई कमी नहीं है। जब कोई कमी नहीं है तो हमको सिद्धि क्यों नहीं मिल रही? बोले पुस्तक में से लिया है इसलिए नहीं मिल रही, किताबों में तो बहुत सी बातें लिखी रहती है। जिस महापुरुष ने उस मंत्र को खूब जपा हो, जप करके सिद्ध किया हो, उसके बाद में आपके कान में फूंक करके दिया हो, तब वह मंत्र सिद्ध होकर के आपके हृदय में बीजांकुरण करेगा, कोई चमत्कार दिखाएगा। इसलिए गुरु सदगुरु की बड़ी महिमा है। वृक्षों से बीज उत्पन्न होते हैं और बीज से ही वृक्ष पैदा होते हैं। यदि प्रत्येक बीज से वृक्ष पैदा होने लग जाते तो एक वृक्ष के नीचे हजारों वृक्ष पैदा हो जाते, पर ऐसा नहीं होता।
वृक्ष से अनेक बीज गिरते हैं, पर उसी बीज को कोई पक्षी निगल लेता है और पक्षी निगल करके फिर किसी कुआ बावड़ी में बैठ के कहीं बीट कर देता है, तो उस पक्षी के द्वारा वह बीज बीट के रूप में प्रकट होकर के जब कहीं किसी भूमि पर जम जाता है तो समय पाकर के पानी को बरसात को ग्रहण करके धीरे धीरे अंकुरित हो जाता है और महाराज कुएं में भी पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार परंपरा से प्राप्त मंत्रों को जिन्होंने सिद्ध किया है और जिसने मंत्र सिद्ध किया है वही जब मंत्र आपको देगा तब वह मंत्र शीघ्र आपके हृदय में चमत्कार करेगा। मननात्रायते, मंत्र का अर्थ क्या है? जो मनन करने पर तुम्हारा कल्याण कर दे, वो मंत्र है। इसलिए किताबों से नहीं, किसी संत महापुरुष से मंत्र ग्रहण करना चाहिए, तभी मंत्र चमत्कार दिखाएगा। तो गुरुदेव की बड़ी महिमा है। तो गुरु साक्षात परब्रह्म है तो फिर दूसरे परब्रह्म की चर्चा क्या करते हैं? वे खुद ही हमें तो मिल गए परब्रह्म। बोले देखो भाई, यूं समझो, आपको प्यास लगी, पानी किसी ने अपने कलश से आपको पानी पिला दिया, कलश में पानी भरा था, पिला दिया और प्यास भी बुझ गई, आपको पानी चाहिए था मिल गया। पर जब जब प्यास मिलेगी तब तब आपको कलश ही मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। प्रकट रूप से कलश भरा है पानी से तो पानी पीने को मिल गया, अब कदाचित कलश फूट गया तो परमानेंट व्यवस्था पानी की घर में होना चाहिए कि नहीं? उसके लिए कुआ खोद के रखो, नल लगवा के रखो, ताकि हमेशा पानी का प्रबंध घर में बना रहे अपना जन, क्योंकि हर समय तुम्हें पानी पिलाने वाला उपलब्ध नहीं होगा। तो जन्म जन्मांतर की जो प्यास है वो सदगुरु मिटा रहे हैं, अपने उपदेश से तुम्हारे जन्मांतर की प्यास बुझा रहे हैं। परंतु जो परब्रह्म गुरु साक्षात परब्रह्म, तो साक्षात रूप में तो परब्रह्म तुम्हारे सामने गुरुदेव बैठे नहीं होंगे, जब तक शरीर है तब तक वह साक्षात परब्रह्म सदगुरु आपके सन्मुख हैं और आपकी प्यास बुझ रही है उनके उपदेश से। परंतु जो मार्ग दर्शन करा रहे हैं, जो वो उपदेश दे रहे हैं, उसका आचरण करते करते जब आपके निज राम जी का, अपने राम जी का हृदय में अनुभव होने लगाएगा, अनुसंधान होने लगेगा, तब आपके भीतर का जो प्रेम का झरना झरित होने लगेगा और राम तत्व में आप नित्य रमण करने लगेंगे, तो फिर वो साक्षात घट जो है, घट के न रहने पर भी आपके आनंद में कमी नहीं रह जाएगी। शीतल जल सन्मुख उपस्थित नहीं है, परंतु अब कुएं में घर में ही कुआ जब उत्पन्न हो गया प्रोद्दीप्त भवने, तो पर जब कूप खनन घर में है जल उपलब्ध है, जब प्यास लगे पियो, बाल्टी डालकर निकालो। इसलिए गुरुदेव उस परम शक्ति, ऐसे पानी पूरी पृथ्वी में, पृथ्वी सारी पानी में स्थित है, पृथ्वी का आधार जल ही है, जहां खोदोगे वहीं पानी निकलेगा। तो घड़े में पानी हमेशा नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा, परंतु यदि आपने खोद करके धरती का जो व्याप्त जल है धरती के भीतर, वो यदि आपने व्यवस्था बना ली तो हमेशा वह जल आपको उपलब्ध होता रहेगा। इसलिए सदगुरु अपने रहते रहते अपने शिष्य के हृदय में ऐसा झरना निर्झरित करके जाते हैं कि उस झरने में आप सदा भींगते रहो। अपने रहते गुरुदेव समस्त आपके अघों का निवारण करके और राम जी के नित्य तत्व में रमण करा के प्रेम का झरना निर्झरित करके
ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि साक्षात रूप में यदि वो दर्शन न भी दे रहे हो तो तुम्हारे प्रेम के झरने में कोई कमी ना आने पाए। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रेम वल्लरी में एक बहुत सुंदर गुरु तत्व की महिमा में एक पद गाया है। आइए उसी पद के माध्यम से इस रहस्य का हम लोग दर्शन करें। अघियन अघहरण देव अघियन अघहरण देव अघियन अघहरण देव अघियन अघहरण देव सद्गुरु सुखकारी अघियन अघहरण देव अघियन अघहरण देव सद्गुरु सुखकारी अघियन अघहरण देव अघियन अघहरण देव भारत हर प्रभु कृपाल भारत हर प्रभु कृपाल दीन बंधु प्रणत पाल दीन बंधु प्रणत पाल भारत हर प्रभु कृपाल दीन बंधु प्रणत पाल भारत हर प्रभु कृपाल दीन बंधु प्रणत पाल नाम तारक मंत्र है। उस तारक राम नाम मंत्र को देख करके वो मंत्र कैसा है, भानु समान, सूर्य के समान है। और उस सूर्य के समान तारक मंत्र जब हृदय में पहुंचता है तो हिय घोर तमा, हृदय में जो जन्म जन्मांतर का तम छाया है, अंधकार जो व्याप्त है, वह राम नाम की ज्ञान ज्योति का उदय होते ही सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। तारक भानु समान तारक भानु समान ते हर ही घोर तमा ते हर ही घोर तमा ज्ञान ज्योति परम छाया ज्ञान ज्योति परम छाया ज्ञान ज्योति परम छाया ज्ञान ज्योति परम छाया जनहि करत ज्ञान का तिमिर ध्वस्त हो जाता है, तब राम जी में चित्त रमण करने लगता है। राम शब्द का अर्थ क्या है, रमुक क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है, जो रमण करें विहार करें, द्रवंश दशरथ अजिर विहारी, हृदय में रमण करने लगते हैं राम जी। और
हृदय में जब हमारे हृदय में राम जी रमण करने लग जाएंगे तो बिलग हो तो ना ही चित्त, चित्त कभी राम जी से अलग हो ही नहीं सकता। विश्व चित्त चोरा है, चित्त को चुरा लिए, चित्त में रमण करने लगे हृदय बिहारी राम जी। जब हृदय में रमण करेंगे तो आनंद का वह झरना निरंतर आपके अंतःकरण में झरता रहेगा। झरना झर झरत झार, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, हृदय बीच रस सुखार, श्री हर क्षण ही सदगुरुदेव भगवान की जय। चिंता मडिन लोक सुखम